स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको ब्रेड कस्टर्ड बनाना सिखाऊंगी। आजकल बच्चों को पेस्ट्री केक खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम कोरोना काल में हम लोग डरते हैं बाहर की सामान या कोई चीज़ मंगाने से, इसीलिए मैं आज घर पर ही बनाऊंगी ब्रेड कस्टर्ड केक बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको जो सामान चाहिए, सबसे पहले हम ब्रेड लेंगे और फिर एक गिलास दूध लेंगे, चीनी लेंगे, दो चम्मच कस्टर्ड पाउडर लेंगे और सजाने के लिए हम इसमें बादाम थोड़े से लिए हैं, थोड़े काजू लिए हैं वो हमने काट लिए हैं, थोड़ा सा नारियल लिया है और सफ़ेद इलायची ली है, पाउडर है ये मोटा मोटा, और हमने टूटी फूटी ली है सजाने के लिए। देखिए ये स्वाद अच्छा बढ़ाती है और ये ताकत भी देती है। सब ये ड्राई फ्रूट है आप जानते ही हैं। तो आप चलते हैं, शुरू करते हैं हम। तो चलिए हम फ्राई पैन रखते हैं गैस पर। अब हमें दूध डालना है, एक गिलास हम दूध डालेंगे। अब इसे हम खौलाने देंगे। जब इसमें दूध में खौला आ जाएगी तो हम कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी खौलाने तक। तो हमारा दूध उबल रहा है तब, तो फिर हम इसे कस्टर्ड पाउडर को थोड़ा सा पानी डाल के मिला लेंगे, क्योंकि हमें इसमें लम्स नहीं आने देंगे। हम हल्के हल्के इसे घोल बना लेंगे। अब हमने इसे कस्टर्ड को अच्छी तरह से घोल लिया है, हमारा दूध भी उबलने लगा है। अब हम इसके अंदर इलायची पाउडर डालेंगे क्योंकि खुशबू अच्छी आती है। देखिए हमारा दूध उबल चुका है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे क्योंकि इसमें लम्स ना पड़े। अब ये खुद ही गाढ़ा हो जाएगा, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आ रही है। सफेद इलायची डाली है हमने। अब इसे हम गाढ़ा होने देंगे। हमें इसे चलाते ही रहना है क्योंकि हमें इसे अच्छी तरह से मिलाना है और गाढ़ा भी करना है हमें इसे। देखिए हमें चलाते हुए बहुत देर हो गई है, हमें बस इतना ही गाढ़ा रखना है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसे बंद कर देती हूँ। अब मैंने इंडक्शन बंद कर दिया है क्योंकि हमारा जो घोल है वो गाढ़ा हो गया है। हमने कस्टर्ड मिला दिया, अब हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी अपने हिसाब से ही डालना, अगर आप कम खाते हो कम डालना, ज़्यादा खाते हो तो कम से कम एक कटोरी तो डलेगी इसमें। मैंने छोटी ट्रे ली है, आपके पास जो बर्तन हो, प्लेट हो, कुल्फी हो, कुछ भी हो आप उसमें रख सकते हैं। मैं दो स्लाइस रखूंगी। देखिए पहले मुझे ये बैटर जो है, ये जो बैटर है पहले मैं इसे फैलाऊंगी। हमें गुनगुना ही बैटर डालना है जो हमने ये बैटर बनाया है, क्योंकि गुनगुना होगा तो अंदर तक पहुंच जाएगा इसके। अब देखिए मैं इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ क्योंकि ड्राई फ्रूट खाने में अच्छे होते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। बादाम है, काजू है, थोड़ा नारियल है। अब मैं इसके ऊपर से एक लेयर और रखती हूँ ब्रेड के। अब मैं इसके ऊपर से जो हमारा बैटर है मैं उसे और डालूंगी इसे।
क्योंकि बैटर को हमें गर्म ही डालना है, क्योंकि अंदर तक ब्रेड में पहुंच जाएगा। सब तरफ से ही डालना आपको भी। अब मैं फिर से ड्राई फ्रूट डालूंगी, थोड़े से काजू डालूंगी और बादाम भी डालेंगे हम। अब हमें एक कोटिंग और करनी है इसकी, तो हम इसे ब्रेड को अंदर डालेंगे इसके, ऐसे करके सब तरफ से इसे अंदर पहुंच जाएगा। आप देख सकते हैं, आप भी ऐसे ही केक को बनाना, कोई मिस्टेक नहीं करना। देखिए सारा बैटर जो है हम इस पे डाल देंगे। अब हम इसे ड्राई फ्रूट की फिर से लेयर डालेंगे, क्योंकि देखने में अच्छा लगेगा, तभी तो हम खाएंगे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप डाल सकते हैं। मैंने टूटी फ्रूटी डाली है, क्योंकि बच्चों को केक के रंग ही लगना चाहिए, केक है ये। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए रख दूंगी, आप चाहो तो फ्रिज में रखो, या वैसे ये एकदम जम जाता है। एक घंटे बाद मैं आपको दिखाऊंगी। एक घंटे के लिए हम इसे ऐसे ही रखा रहने देंगे, आप चाहो तो फ्रिज में भी रख सकते हो। देखिए हमने अपना केक फ्रिज में से निकाल लिया है, अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ। देखिए हमने केक काट लिया है, आप देख सकते हैं हमारा केक बहुत सॉफ्ट और बहुत यम्मी बना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जो भी मैं नई वीडियो डालूं आप सबसे पहले देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। We'll be right back.